केकेआर के खिलाफ खूब चलता है हिटमैन का बल्ला। आईपीएल के 15वें सीजन का 14वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 पर खेला जाएगा। जहां एक तरफ केकेआर 3 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है, वहीं एमआई पहली जीत के लिए तरस रही है। आइए जानते हैं कि किन खिलाड़ियों को अधिक से अधिक पॉइंट्स जीतने के लिए फैंटेसी 11 की टीम में शामिल किया जा सकता है। विकेटकीपर के तौर पर इस मैच में मुंबई के पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन को चुनना लाभकारी हो सकता है। सीजन के पहले मैच में 169 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 81 बनाने के बाद दूसरे मुकाबले में भी 54 रनों की दमदार पारी खेलने वाली ईशान का बल्ला मानो आग उगल रहा है। ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी होने का कोई दबाव उनकी बल्लेबाजी पर नजर नहीं आ रहा है। आज भी पारी की शुरुआत करते हुए वह पुणे के मैदान को अपने शॉट से गुलजार कर सकते हैं। सैम बिलिंग्स ने लास्ट मुकाबले में रसेल के साथ मिलकर कोलकाता की टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचाया था। इस दौरान उनका बैट फ्लो और शॉट सिलेक्शन शानदार रहा। आज के मुकाबले में भी बिलिंग्स का बल्ला बोलने की पूरी उम्मीद है। आज के मैच में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को बतौर बल्लेबाज फैंटेसी 11 की टीम में शामिल करना पॉइंट्स की गारंटी दे सकता है। रोहित ने कोलकाता के खिलाफ 29 मुकाबलों में 46.13 की औसत से 1015 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 109 रन का रहा है। आज भी हिटमैन अपनी पावर हिटिंग से केकेआर के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ सकते हैं। श्रेयस अय्यर का हालिमा फॉर्म तूफानी रहा है। आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले लंकाई गेंदबाजों के खिलाफ कातिलाना प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले श्रेयस पंजाब किंग्स के खिलाफ रंग में दिखेंगे। आज के मुकाबले में अगर वह लंबा खेल जाते हैं तो कोलकाता की पूरी इनिंग उनके ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इस आईपीएल तिलक वर्मा ने डेब्यू करते हुए अपने नाम का भोकाल कर दिया है। तब राजस्थान के खिलाफ 33 गेंद पर 61 रन ठोकने के बावजूद तिलक अपनी टीम को विजय का टीका लगाने से चूक गए थे। आज टीम को जिताने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका प्रदर्शन आपको काफी फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकता है। सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और पोलार्ड आज के मुकाबले में पॉइंट्स की बम्पर बारिश कर सकते हैं। पंजाब के खिलाफ नरेन ने 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन देकर 1 विकेट लिया था। नरेन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब सामने वाली टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं, सुनील वहां डॉट गेंद डालने का करिश्मा कर दिखाते हैं। उन्हें अगर बल्लेबाजी का अवसर मिल गया तो फिर तोड़फोड़ निश्चित है। 31 गेंद पर 8 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नावाज 70 रनों की पारी खेलकर पंजाब किंग्स को धूल में मिलाने वाले रसेल आज भी मसल पावर दिखा सकते हैं। आज का विकेट उनकी बॉलिंग को भी सूट करेगा। ऐसे में बाहुबली रसेल पॉइंट्स बरसा सकते हैं। पोलार्ड का बल्ला पिछले मैच में जरूर नहीं चला, लेकिन रसेल के दम के सामने मुंबई का यही सिंघम टिक सकता है। पोलार्ड ने पिछले मैच में क्रीज पर ठीक ठाक समय बिता लिया है। ऐसे में वह उठ रहे सवालों का जवाब अपने प्रदर्शन से देने को बेताब होंगे। आईपीएल आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।